हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। तो टीम इंडिया की पहली इनिंग खत्म हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में और 176 रन बनाए विराट कोहली की आज शानदार पारी देखने को मिली है हमें। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में उनका बल्ला शांत था, लेकिन आज ऐसा गर्ज है कि आज टीम इंडिया बस कुछ ही दूर है आज दोबारा 17 साल बाद एक और ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। मेरा नाम है अर्पित दुबे और मेरे साथ लव, और आज हम बात करेंगे हाइलाइट्स और मैच रिपोर्ट के ऊपर। जी, और जो भी डीएनए को पहले से फॉलो करते हुए आए उन्हें पता होगा कि प्रीव्यू में हमने कहा था कि आज विराट कोहली का दिन है। रोहित शर्मा आप चले ना चले, आज विराट कोहली जरूर चलेंगे और विराट कोहली आज चले। अक्षर पटेल की बात भी हुई थी, अक्षर पटेल आज जरूर चलने वाले, अक्षर पटेल भी चले हैं, बैट से चल गए, बॉल जरूर चलेंगे। बुमराह और आज कुलदीप यादव और आज एक्स फैक्टर रहने वाले हैं। और आज आप देखिएगा इंडिया मैच जीतेगी तो ये तीन नाम जरूर आपको सबसे टॉप पे नजर आएंगे, अक्षर, बुमराह और कुलदीप यादव। जी बिल्कुल, उनके नाम जरूर आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें अक्षर पटेल की बात करें तो आज बहुत ही ज्यादा शानदार पारी अक्षर पटेल ने जिस तरीके से पारी खेली उसमें बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा क्रूशियल इनिंग थी, क्योंकि पहले 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। लव, रोहित शर्मा 9 रन पे, ऋषभ पंत 0 पर, सूर्य कुमार यादव 3 रन पर, फिर अक्षर पटेल ने 47 रन मारे 31 बॉलों में और विराट कोहली के साथ 70 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप करी। वो पार्टनरशिप टीम इंडिया को आज 176 तक ले गई है। और विराट कोहली ने जिस तरीके से बाद में शॉट्स लगाए बहुत ही ज्यादा शानदार इनिंग्स, और साथ में अक्षर पटेल ने भी 150 की स्ट्राइक रेट से मारे 47 रन। एक बार दर्शकों को स्कोर कार्ड बता देते हैं किस तरीके से रन थे। तो रोहित शर्मा की बात करें 5 बॉलों में 9 रन, 2 जो उन्होंने चौके मारे थे 2 बॉल में, उसके बाद वो स्वीप मार जाए तो उसके बाद वो आउट हो गए। अनिल कासिन का बढ़िया कैच, विराट कोहली 59 बॉल्स में 76 रन, 2 छक्के और 6 चौके। तो ये कह सकते हैं स्ट्राइक रेट बाद में पहली ओवर में बात करेंगे तो 3 चौके उन्होंने मार्को यंत्र को जो लगाए, उसके बाद पूरी इनिंग्स में 3 चौके ही लगाए उन्होंने 2 छक्के के साथ। 128 का स्ट्राइक रेट कम नजर आएगा, लेकिन एंकर इनिंग्स खेली, रोल प्ले करा अपना। ऋषभ पंत मैच्योर शॉट मार के आउट हो गए, आते ही जरूरत नहीं थी शॉट की, अननेसेसरी वो शॉट खेलने के और आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव आज उम्मीद थी मगर परफॉर्मेंस नहीं आई, 4 बॉलों में 3 रन मात्र। अक्षर पटेल बेहतरीन इनिंग्स, इंप्रेसिव इनिंग्स एक बार फिर अपने वर्क प्रूव करते हुए और इंडिया में अपनी एक पोजीशन फिक्स कर ली उन्होंने कि कोई खेले ना खेले अक्षर पटेल का नाम इंडिया में जरूर आएगा। इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो अक्षर पटेल 31 बॉलों में 47 रन, शिवम दुबे का 4 छक्के 151 की स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे अंडररेटेड पारी, एक और कह सकते हैं छोटी पारी लेकिन इंपैक्टफुल पारी, 16 बॉलों में 27 रन, 3 चौके 1 छक्का, 168 की स्ट्राइक रेट के साथ। हार्दिक पांड्या 2 बॉलों में 1 चौका और बाकी आप 1 रन उन्होंने लिया, 5 रन बनाए टोटल 250 की स्ट्राइक रेट से। रविंद्र जडेजा डिसअपॉइंट करा, पहली बॉल पे उन्होंने 2 रन लिए, दूसरी बॉल पे वो आउट हो गए। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, फिर बता दीजिए बॉलिंग से पहले फॉलो विकेट्स में बहुत शानदार एक पारी के बारे में मैं जिक्र करना बताऊंगा। 34 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे 4 ओवर 3 बॉल में, और इसके बाद फिर अक्षर पटेल के साथ आप देखेंगे 106 रन, तो मतलब करीबन आपने 70 रन की पार्टनरशिप करी। आप ये भी देखिए अक्षर पटेल की स्ट्राइक रेट देखिए 150 की स्ट्राइक रेट से खेला, ऐसा नहीं है कि विकेट गिरे थे तो स्ट्राइक रेट कहीं कम पड़ी और रन रेट कहीं कम, बारिश करती थी और बेहतरीन एक भी रिस्की शॉट नहीं है, एक भी शॉट ऐसा नहीं कि बैट पे नहीं आया। जी आज मार्को हंसन को बॉलर्स की बात करें तो आड़े हाथ लिया गया 4 ओवर में मात्र, मतलब हम देखेंगे कोई चौका छक्का नहीं, आज बारिश कर रहे थे, 49 रन पड़वाए हैं, 1 ही विकेट लिया उन्होंने। और दूसरी ओर अगर हम बात करें केशव महाराज की तो लव 3 ओवर में 23 रन, बहुत ही शानदार बॉलिंग। रोहित शर्मा ऋषभ पंत को पहली ओवर में अपने साथ लेते गए और डगआउट में बैठा दिया। वहीं कविशोर अवार्डा को देखें तो आज थोड़े से उतने इंपैक्टफुल साबित नहीं हुए, विराट कोहली ने जरूर उनको बहुत ही अच्छे छक्का मारा था लास्ट 18वें ओवर की अगर मैं बात करूं तो 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट। वहीं एडन मार्करम ने शानदार 2 ओवर करे, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, 3 ओवर में 26 रन शम्सी। और वहीं नॉर्किया का ये स्पेल भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रहेगा, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस। तो जो उन्होंने फाइनल ओवर डाला है, जो लास्ट ओवर डाला है, बेहतरीन ओवर, बेहतरीन लाइन लेंथ, आप देखिए यॉर्कर्स ऑन पॉइंट, लाइन और लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसे ही पारी की आप ऐसे ओवर्स की उम्मीद करते हैं, ऐसे स्पेल की उम्मीद करते हैं अपने मेन बॉलर से। जी तो उसी तरीके की परफॉर्मेंस रही। पूरे हाइलाइट्स में बात करें तो आज विराट कोहली का बल्ला गर जाए, 50 रन से ज्यादा की पारी खेली। फाइनल में रोहित शर्मा ने भी कहा था वो उन्होंने पूरा काम करके दिखाया, तो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा शानदार पारी हाइलाइट्स में। और नॉर्किया साउथ अफ्रीका के लिए बेस्ट बॉलर बने। अब 20 ओवर में क्या टीम इंडिया 177 रन डिफेंड कर पाएगी कि नहीं, उसके साथ हम लौटेंगे और हाइलाइट्स पर बात करेंगे मैच रिपोर्ट पर। और आप हमारा लाइव सेशन देख सकते हैं जो अभी बरकरार है और चल रहा है, जिस पर हम आने वाले और बात करेंगे कि 20 ओवर में किस तरीके से टीम इंडिया डिफेंड करती है और बनती है 17 साल बाद दोबारा चैंपियन।
अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। Fuck the McDonald's.